स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर, और आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है। आज का टॉपिक क्या है बेटा, जितने ही बच्चे ने 12वीं क्लास जो पास कर ली है सेशन 2024 के अंदर, और ये गर्ल्स के लिए ही ओनली है, एनसी वेब के लिए हम बात कर रहे हैं। एनसी वेब का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया है, और आज से ये 28 मई से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और उसके लिए कौन कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें आप सभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसी वेब डालना है सर्च, और यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट जो आपका है एनसी वेब एडमिशन हो गया है। इसके अंदर क्लियर कट बोला गया, दिस पोर्टल कैटर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन कैंडिडेट ओनली, किसके लिए, वुमेन कैंडिडेट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। काइंडली डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन टू पे एंड द फी कंप्लीट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जल्द से जल्द कर ले, कोई वेट ना करें आप भाई। कहीं आप सोच रहे हो भाई लास्ट वाली डेट में भरेंगे, नहीं ऐसा नहीं, पहले आओ पहले पाओ ऐसा वाला है, ठीक है बेटा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेड ऑन द ईयर ऑफ द एडमिशन पोर्टल शैल बी द कंसिडर्ड एंड द एडमिशन मेरिट बेस, भाई मेरिट बेस्ड होगा, सब्जेक्ट टू बी एलिजिबिलिटी होगी। प्लीज़ रीड द एन सी वेब बुलेटिन, आपको पढ़ना ज़रूरी है, बुलेटिन पढ़ोगे जब भी आपको अच्छी तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखते हैं हम। चलिए बुलेटिन बोर्ड हम देखते हैं। वुमेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपने देखा होगा, वुमेंस के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें कर दी है सरकार ने। और अगर हम बात करें इसी के अंदर, एडमिशन से रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एडमिशन 2024 और 25 के अंदर जो आपके हैं कोर्स, आप डायरेक्ट इसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पर अंडर ग्रेजुएट दिया गया आपका, ठीक है, 2024, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे और आपका ये वाला ऑप्शन जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा, और आपको मैं बता दूँ जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। फीस स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट, जितने ही बच्चे 2024-25 में लेंगे, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टेड अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा एडमिशन। ऑल प्रोग्राम्स UOD विल बी डन थ्रू द पोर्टल ऑफ द बेसिस ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET के बेस पे भी है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम दिया गया इसके अंदर, अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिलिंग द रेफरेंस फॉर द प्रोग्राम एंड द कॉलेजेस, आपको उसी के अंदर डालना है, जिस बच्चों ने उसके अंदर फॉर्म भरा था CUET का उसी का। OBC अनरिजर्व जितने भी उनकी 250 रुपये फीस है फॉर्म की, ST के लिए 100 रुपीज़ है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द, जैसे मान लो सपोज वो BFA के लिए कर रहे हैं, BSc के लिए कर रहे हैं, BA ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, 400 रुपीज़ सबमिट करने होंगे। तो ये हमारा कुछ अप्लाई का सिस्टम है, ठीक है। और आप यहाँ पे CUET एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, जिस बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा था वही बच्चे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डालने के बाद आपका डायरेक्ट वहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, और इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो सारे बच्चों को सेंड करें, सेंड करना ना भूले बेटा। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहां पे CUET जो आपका नंबर एप्लीकेशन नंबर वो मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर द CUET के अंदर जो डाला था आपने, और इस तरीके से आप डायरेक्ट ये आपका खुल जाएगा, क्योंकि ये CUET के बेस पे ही लेंगे, क्योंकि CUET के बेस में जो आपने एंट्रेंस दिया होगा उसी के बेस पे बच्चों का आता है इसके अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुई हो। तो आप जितने भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं जिनका ड्रीम है एनसी वेब में लेने का नॉन कॉलेज फॉर द वुमेंस के लिए, सारे बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।